स्वागत है दोस्तों आप सभी का सिविल स्टफ यूट्यूब चैनल के एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फॉलोइंग अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन अबाउट द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सेक्शन। तो दोस्तों जैसा कि हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है, हमें इस अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अबाउट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सेक्शन। जैसा कि दोस्तों हमें यहाँ पर बताया गया है कि हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है। वो दोनों एक्सिस दोस्तों ये इस सेक्शन के सेंटर में से पास हो रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले स्टेप होने वाली है हमारी यहाँ पर आंसर में, ये जो हमारा अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन है इसका सेंट्रोइड फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेंट्रोइड फाइंड करेंगे, उसी के बाद हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सेंट्रोइड फाइंड करेंगे। बट दोस्तों एज यू कैन सी हियर, ये अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन एक स्टैंडर्ड फिगर नहीं है, तो हमें सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फिगर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आप तीन रेक्टेंगल्स देख सकते हो, यहाँ पर मैं बताता हूँ। देखिए ये एक पहला रेक्टेंगल हो गया, ये दूसरा रेक्टेंगल एंड ये तीसरा रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, रेक्टेंगल में मैंने क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि रेक्टेंगल का सेंट्रोइड निकालने के लिए एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं एक एक्सिस बनाता हूँ वर्टिकल। देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो वर्टिकल एक्सिस बनाया हुआ है, इस एक्सिस के अबाउट ये जो हमारा सेक्शन है वो सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो ये एक्सिस कौन सा बन जाएगा, हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो अगर ये हमारा एक्सिस एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो जो भी हमारा सेंट्रोइड होने वाला है वो एग्जैक्टली इस वर्टिकल सेक्शन के ऊपर प्रेजेंट होने वाला है। ठीक है, तो सबसे तो अभी हमें क्या फाइंड करना है, सेंट्रोइड का वर्टिकल डिस्टेंस यानी कि वाई डिस्टेंस, वो अभी हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले रेक्टेंगल वन के लिए देखते हैं, रेक्टेंगल वन का एरिया होने वाला है दोस्तों ए वन। इसका एरिया होगा दोस्तों 20 × 60, तो ये हो जाएगा दोस्तों 120 mm square, राइट। देन इसका y1, ठीक है, तो अभी इस ये जो हमारा रेक्टेंगल वन है दोस्तों, इसका सेंट्रोइड यहां पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहां पर मैं दिखा देता हूं, इस एक्सिस को मैं x1 बोलता हूं क्योंकि ये फर्स्ट रेक्टेंगल के लिए। ठीक है, नाउ अभी यहां पर देखिए दोस्तों, ये जो इसका डिस्टेंस होने वाला है दोस्तों वो होगा 10 mm, क्योंकि हम सबको पता है दोस्तों रेक्टेंगल का जो सेंट्रोइड होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो अगर ये डिस्टेंस 20 mm है, तो इसका जो y1 होने वाला है दोस्तों यानी कि वर्टिकल सेंट्रोइडल डिस्टेंस, वो होगा 10 mm। तो यहाँ पर मैं 10 mm लिख देता हूँ, राइट। नाउ अभी हम रेक्टेंगल 2 के लिए देखते हैं, इसका एरिया हम a2 लिखेंगे। नाउ रेक्टेंगल 2 के लिए दोस्तों, हाइट है रेक्टेंगल 2 की 100 mm और विड्थ है 20 mm, सो 100 × 20, सो इसका एरिया बन जाएगा दोस्तों 2000 mm square, राइट। देन y2, नाउ सिमिलरली दोस्तों ये भी एक रेक्टेंगल है, सो रेक्टेंगल का एरिया सॉरी सेंट्रोइड वो है वो सेंटर में लाई करेगा। इसका भी मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस यहां पर दिखा देता हूं, ये एक्सिस को हम x2 बोलेंगे। नाउ अभी इसका जो डिस्टेंस होगा दोस्तों, यहां से ये वाला डिस्टेंस इसका होगा 100 / 2, क्योंकि ये टोटल है 100 है, सेंट्रोइड सेंटर में लाई करता है, सो ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 50 mm। तो यहाँ पर y2 डिस्टेंस हमारा हो जाएगा दोस्तों 50 mm। नाउ लास्ट ये रेक्टेंगल 3, रेक्टेंगल 3 का एरिया a3 होगा, इसका एरिया होगा दोस्तों 100 mm × 20 mm, तो ये भी 2000 mm square हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों y3, सिमिलरली इसका भी सेंटर जो है वो सेंटर में लाई करेगा। इसका भी मैं एक्सिस बता देता हूं, ये होगा x3। सिमिलरली ये जो डिस्टेंस होगा दोस्तों वो होगा 20 / 2, सो ये डिस्टेंस हमें 10 mm मिल गया, सो सेंट्रोइडल डिस्टेंस यानी कि y3 हमें मिल गया दोस्तों अगेन 10 mm। एम सॉरी दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी सी गलती हो गई है, वाई वन फाइंड करने के टाइम हमें इसमें प्लस ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है, क्योंकि हम सेंट्रोइड बॉटम से निकाल रहे हैं दोस्तों, तो हमें जो पूरा डिस्टेंस यहाँ पर से बॉटम से लगने वाला है,
तो ये 10 mm प्लस ये 100 mm प्लस 20 mm, सो यहाँ पर मैं 100 mm प्लस 20 mm लिख देता हूँ, तो ये टोटल डिस्टेंस दोस्तों हमें मिल जाएगा 130 mm। सेम केस यहाँ पर भी होगी y2 के लिए हमने ये 50 mm निकाला, उसमें दोस्तों ये हमें 20 mm भी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हम बॉटम से निकल रहे हैं। सो 20 mm ये बन जाएगा हमारे पास 70 mm, और y3 तो हमारा करेक्ट है, बॉटम से ये 10 mm आ जाएगा, राइट। नाउ अभी हमें दोस्तों सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज पुट आउट करनी है और सेंट्रोइड फाइंड करना है। सो वाई बार के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है दोस्तों a1y1 प्लस a2y2 प्लस a3y3 डिवाइड, क्योंकि हमारे पास तीन रेक्टेंगल है, इसके लिए हम यहाँ पर इतना ही फॉर्मूला लिखेंगे a1 प्लस a2 प्लस a3। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों a1 की वैल्यू हमारे पास 120, y1 की वैल्यू हमारे पास 130, a2 की वैल्यू हमारे पास 2000, y2 की वैल्यू हमारे पास 70, a3 की वैल्यू हमारे पास अगेन 2000 इंटू y3 की वैल्यू हमारे पास 210 mm, तो यहाँ पर मैं 10 लिख देता हूँ। a1 की वैल्यू थी 120, a2 की वैल्यू 2000, a3 की वैल्यू हमारे पास 2000। दोस्तों यहाँ पर जो हमारे पास a1 की वैल्यू थी यहाँ पर वो 1200 है, 10 पता ना भूल गया था मैं। तो अगर दोस्तों इसमें हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा दोस्तों 60.8 mm, और ये जो डिस्टेंस है दोस्तों वो होगा हमारे पास फ्रॉम बॉटम। तो यहाँ पर मैं फिगर में बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों फ्रॉम बॉटम जो हमारा सेंट्रोइड जो मिला है दोस्तों वो हमें मिला है 60.8। तो यहाँ पर मैं कुछ यहाँ पर वो सेंट्रोइड प्रेजेंट होने वाला है, तो यहाँ पर मैं सेंट्रोइडल एक्सिस दिखा देता हूँ। तो ये जो एक्सिस होगा दोस्तों वो हमारा होगा न्यूट्रल एक्सिस, इसके लिए मैं यहाँ पर NM बता देता हूँ, ठीक है। तो अभी हम इजीली मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारे पास तीन रेक्टेंगल है, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों IXX फाइंड करेंगे हम सबसे पहले। तो इसका फॉर्मूला IXX1 प्लस IXX2 प्लस IXX3 बनेगा, क्योंकि हमारे पास तीन अलग अलग रेक्टेंगल है। इस इक्वेशन को मैं 1 बोल देता हूँ। तो अभी हम 1 by 1 IXX1, IXX2 और IXX3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम IXX1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अभी देखिए दोस्तों IXX1 जो है हमारा वो इस रेक्टेंगल का एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो हमारा रेक्टेंगल है इसका जो लोकल X1 एक्सिस है वो हमारे न्यूट्रल एक्सिस को पैरेलल है, तो यहाँ पर हमें अप्लाई करना पड़ेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, राइट। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ IG1 प्लस A1H1 स्क्वायर, ठीक है। तो IG1 क्या होगा दोस्तों, रेक्टेंगल 1 का अबाउट X1 एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों BD³/12, सबको पता है हमको, प्लस एरिया, इसका जो एरिया होगा दोस्तों वो देखिए 20 mm मल्टीप्लाई बाय 60 mm होगा। तो यहाँ पर मैं वो लिख देता हूँ 20 × 60 इंटू ना। अब ये H1 क्या है, ठीक है। तो ये H1 देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है और ये हमारा X1 एक्सिस है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा दोस्तों वो होने वाला है हमारा H1। तो यहाँ पर हम निकालते हैं उसको, ये जो डिस्टेंस है दोस्तों वो है हमारा H1। अभी हमें वो फाइंड करना है, वो हम कैसे फाइंड करेंगे देखिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो न्यूट्रल एक्सिस है इसका फ्रॉम बॉटम जो डिस्टेंस हमने निकाला था यानी कि सेंट्रोइडल डिस्टेंस वाई बार वो हमने फाइंड किया था 60.8, राइट। फ्रॉम बॉटम 60.8 है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर से और दोस्तों अभी ये टॉप से हमारे पास कितना डिस्टेंस होगा, ठीक है। ये देखिए ये टोटल हमारा हाइट क्या थी दोस्तों 20 + 100 + 20, सो ये हमारे पास टोटल हाइट है 140 माइनस ये हम 60.8 इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा 79.2 mm, राइट। नाउ अभी हमें दोस्तों H1 निकालना है, तो हमें सिर्फ 79.2 में से ये बचा हुआ जो 10 mm होने वाला है ये भी 10 mm होगा, ठीक है। तो ये अगर हम 79.2 में से माइनस कर लेंगे तो हमें H1 मिल जाएगा, तो ये इसमें से माइनस में 10 कर लेता हूँ, तो हमें H1 मिल गया 69.2 mm। सिंपल है दोस्तों, सिंपल ज्योमेट्री है। तो यहाँ पर मैं पुट करूंगा 69.2 स्क्वायर,
तो यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट आउट कर देता हूँ। बी की वैल्यू जो है दोस्तों हमारे पास, बी देखिए ये है 60 mm, तो यहाँ पर मैं 60 पुट कर देता हूँ। इनटू डेप्थ है हमारे पास 20 mm, सो 20 पुट कर देंगे हम, प्लस 60 × 20 × 69.2 square, 5786 × 10³ mm^4। तो हमें ये मिल गया दोस्तों IXX1। इन द सेम मैनर दोस्तों हमें फाइंड करना है IXX2 एंड IXX3। तो IXX2 फाइंड करेंगे हम, ठीक है। तो IXX2 के लिए भी दोस्तों यही फॉर्मूला होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये X2 X2 एक्सिस और ये न्यूट्रल एक्सिस पैरेलल है, तो हमें भी यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं फॉर्मूला लिखता हूँ IG2 प्लस A2H2 स्क्वायर। तो IG2 के लिए भी वैल्यू हमारे पास फॉर्मूला ये होगा BD³/12। डायरेक्टली मैं फॉर्मूला पुट कर देता हूँ। बी की वैल्यू हमारे पास 20 mm और डेप्थ है हमारे पास 100 mm। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट आउट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आएगा 10 × 100³/12, राइट। इस फॉर्मूले में मैंने वैल्यूज पुट आउट किया, प्लस A2H2 स्क्वायर। अभी एरिया टू क्या हो गया दोस्तों, 20 mm × 100 mm, सो 20 × 100 प्लस नाउ H2। अभी ये H2 क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए H2 जो होने वाला है दोस्तों, ये वाला डिस्टेंस होगा इन दोनों X2 और न्यूट्रल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। तो अभी हम वो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, जो हमने Y2 फाइंड किया था, सेकंड रेक्टेंगल का सेंट्रोइड, वो था 70 mm फ्रॉम बॉटम, यानी कि ये डिस्टेंस, ये हमारे पास था 70 mm। तो दोस्तों अगर हम 70 mm में से ये 60.8 माइनस कर लेंगे तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगा आराम से, ठीक है। तो यहाँ पर हम करते हैं 70 - ये 60.8, तो हमें डिस्टेंस मिल गया दोस्तों 9.2 mm। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 9.2 mm, यही हमारा दोस्तों H2 है। तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा 9.2 square। तो इसे अगर हम दोस्तों सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1836 × 10³ mm^4। यहाँ पर हमें IXX2 मिल गया। अभी हम फाइंड करेंगे दोस्तों IXX3 लास्ट। IXX3 के लिए भी वैल्यू फॉर्मूला वही होगा दोस्तों, BD³/12 प्लस A3H3 स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अभी देखिए ये हमारा रेक्टेंगल 3, इसका विड्थ 100 mm है, डेप्थ 20 mm है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 100 × 20³/12 प्लस इसका जो एरिया होगा दोस्तों वो देखिए 100/20, सो 100/20 × H3। यहाँ पर देखिए दोस्तों H3 कौन सी वैल्यू होगी, H3 जो वैल्यू होगी दोस्तों वो यहाँ पर देखिए, ये X3 एक्सिस यहाँ पर आपको दिख रहा है, और ये न्यूट्रल एक्सिस के बीच का जो भी डिस्टेंस है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस, ये होगा हमारा H3। अभी हम ये कैसे फाइंड करेंगे, देखिए फ्रॉम बॉटम न्यूट्रल एक्सिस का जो डिस्टेंस है वो है 60.8, एज यू कैन सी हियर। उसमें से अगर दोस्तों हम ये 10 mm, क्योंकि ये 10 mm होगा, ये अगर हम 10 mm माइनस कर लेंगे तो हमें इजीली H3 मिल जाएगा। 60.8 - 10 हो जाएगा दोस्तों 50.8, तो हमें H3 की वैल्यू इजीली मिल गई। तो यहाँ पर अभी हम लिखेंगे 50.8 स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 5228 × 10³ mm^4। ये हमें IXX3 मिल गया। तो अभी हम सिंपली दोस्तों हम फर्स्ट इक्वेशन में, इस इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट कर देंगे और IXX की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो IXX हमारा बन जाएगा दोस्तों, IXX1 की वैल्यू है हमारे पास ये वाली, सो 5786 प्लस IXX2 की वैल्यू है दोस्तों हमारे पास ये वाली, सो यहाँ पर हम पुट करते हैं 1836। IXX3 की वैल्यू हमारे पास ये वाली, तो हमारे पास टोटल आंसर मिल जाएगा दोस्तों 12815 × 10³ mm^4। तो हमें दोस्तों ये टोटल IXX मिल गया इस पूरे अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन का अबाउट इट्स XX एक्सिस, राइट। ये वाला XX एक्सिस न्यूट्रल एक्सिस जो है वो ही हमारा XX एक्सिस है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास हॉरिजॉन्टल तो कंप्लीट हो गया, नाउ अभी हमें वर्टिकल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो फाइंड करना है। तो वर्टिकल एक्सिस ये वाला है दोस्तों YY, तो इसके अबाउट भी हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है।
बट दोस्तों यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखोगे, तीनों जो हमारी फिगर्स है यानी कि रेक्टेंगल 1, रेक्टेंगल 2 और रेक्टेंगल 3, तीनों के जो सेंटर्ड वो एग्जैक्टली इस वाई वाई एक्सिस के बीच में से पास हो रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर हमें आई वाई वाई फाइंड करने के टाइम हमें कोई भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हम सिंपली db³/12 इस फॉर्मूले का यूज करके हम सारे इस अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्जिया फाइंड करेंगे, तो वो भी हम फाइंड करते हैं। अभी हमें दोस्तों फाइंड करना है आई वाई वाई, यहाँ पर भी दोस्तों वही फॉर्मूला होगा i y y1 + i y y2 + i y y3। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूँ। अभी हम वन बाय वन हम इस इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे, ठीक है। आई वाई वाई वन की वैल्यू होगी दोस्तों db³/12, सेम वही फॉर्मूला आई वाई वाई टू और वाई 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 थ्री के लिए होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कोई पैरेलल एक्सिस प्रेजेंट नहीं है। तो अभी हम वैल्यूज पुट आउट कर देते हैं। देखिए ये हमारा पहला रेक्टेंगल, इसकी जो डेप्थ है दोस्तों वो है 20 mm, सो 20 × ब्रेथ है दोस्तों इसकी 60 mm, सो 60³/12 प्लस दूसरे रेक्टेंगल के लिए। देखिए दूसरे रेक्टेंगल की डेप्थ है 100 mm, सो 100 × इसकी जो ब्रेथ है दोस्तों वो है 20 mm, सो 20³/12 प्लस तीसरा जो रेक्टेंगल है वो है ये वाला, इसकी जो डेप्थ है वो है 20 mm, सो 20 × इसकी जो ब्रेड थे दोस्तों वो है 100 mm, सो 100³/12। तो इसे सॉल्व करते हैं हम। पहली टर्म का हमारा आंसर आ रहा है दोस्तों 360 × 10³ प्लस 66.67 × 10³ प्लस 3rd term का आंसर आ रहा है दोस्तों 1.667 × 10⁶। तो तीनों की हम सम करेंगे दोस्तों। अभी हम दोस्तों तीनों की सम करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है 2.093 × 10⁶ mm⁴। तो ये दोस्तों हमें आई वाई वाई की वैल्यू मिल गई है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, हमें क्वेश्चन में पूछा गया था हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना था, तो हमने वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस दोनों के अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लिया। तो दोस्तों हमें सिर्फ यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम जब हम IXX फाइंड करने वाले हैं तभी हमें अप्लाई करना है, क्योंकि तभी हमारे पास पैरेलल एक्सिस प्रेजेंट होने वाला है। आई वाई वाई फाइंड करने के समय कोई भी पैरेलल एक्सिस प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि तीनों के तीनों रेक्टेंगल्स के सेंट्रोइड एग्जैक्टली इस ग्लोबल वाई वाई एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है, तो हमें यहाँ पर कोई पैरेलल एक्सिस थ्योरम को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।